हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल. यू आर वॉचिंग जेई लाइव डेली. और बच्चों आज हमारे स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 है. कल के लेक्चर में हमने बच्चों बहुत ही बढ़िया सा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था मीन मीडियन मोड के साथ साथ मीन डिविएशन का भी. किसी ने अगर मिस किया है तो उसको भी देख लेना. आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे डिटेल में स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरियंस विच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेन्स एग्जामिनेशन. ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन मिलने वाला है. आज के लेक्चर से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा मेंस में, ऐसा मान के चल सकते हो. ठीक है, सो इट इज दैट इंपॉर्टेंट. ये एक घंटा अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया देन आपको एक क्वेश्चन तो आ गया, ऐसा मान के चल सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. सो आई एम समीर चिंचोलीकर, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर हियर एंड आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स नाउ. ठीक है, और बच्चों ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हमारी टीम के पास भी है. बाकी जो यहाँ पर आप देख रहे हो टीचर्स, जयंत सर एंड नमो सर आर फिजिक्स टीचर्स जो आपकी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं 11th और 12th के टॉपिक्स के साथ में. पारस सर हैं यहाँ पर जो केमिस्ट्री के टीचर हैं और मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं. बच्चों हम जो पूरे के पूरे टीम मेंबर्स हैं यहां पर बहुत डेडिकेशन से आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. सो डू लेट अस नो थ्रू योर लाइक्स एंड कमेंट्स कि यहां पर आपको ये सारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम भी आपकी और ज्यादा मेहनत करने के लिए थोड़े और ज्यादा एग्रेसिवली काम करें. ठीक है, लेकिन बच्चों आपको साथ साथ क्या करना है, यहां पर जैसे आज तक काफी सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कशन के लिए मिलेंगे. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर के भी देखने वाले हैं, लेकिन आपको साथ साथ अपने लेवल पर प्रैक्टिस करते रहना होगी, है ना. आपको अगर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए तो वो बेसिकली हमने बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपको बता दी हैं. अगर किसी ने मिस कर दिया तो जाके वो वीडियोस देख सकता है, इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का डिस्कशन किया हुआ है हमने. ठीक है, ऑलराइट. तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, सारे बुक्स को फॉलो करके अपना वहां पर कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. एंड डू ऑल्सो सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो बहुत ज्यादा आपको इंडिकेशन देते हैं कि एक पर्टिकुलर बड़े से टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है. जैसे स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में आज का जो डिस्कशन है स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऐसा आपको बातें पता चलेंगी इफ यू जस्ट लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वंस. ठीक है, ऑलराइट. तो ये जो आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए ये आपको इस तरह से करना चाहिए कि आफ्टर यू स्टडी द चैप्टर वंस कंप्लीटली, है ना, पढ़ने के पहले मत करना ना, अदरवाइज यू विल लूज इंटरेस्ट इन द टॉपिक कि नहीं ये वाला टॉपिक तो आता ही नहीं एग्जाम में, इसको नहीं पढ़ते. फर्स्ट रीड द एंटायर टॉपिक कंप्लीटली एंड देन सी कि आपको यहाँ पर कौन कौन से सब टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा बच्चों, आपको अगर ऐसा लगता है कि और ज़्यादा मटेरियल आपको मिलना चाहिए, कोई एक सिस्टमैटिक मटेरियल मिलना चाहिए, देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन प्लस. प्लस पे हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है बच्चों के साथ में इंटरेक्शन का, वहाँ पर हमारे पास डेडिकेटेड जो एनवायरमेंट है ना प्लस प्लेटफॉर्म का, उसके ऊपर हमें रेगुलरली डीपीपी शेयर करने को मिलती है. बच्चों के टेस्ट लेते आते हैं, डाउट्स जो बच्चों के आते हैं रेगुलरली रेफरेंस बुक के थ्रू या फिर जो हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें उनका डिस्कशन हो जाता है. तो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट बना हुआ है बहुत ही स्टूडियस है. अगर यहाँ पर कोई आपको लगता है कि यू आर ए स्टूडियस स्टूडेंट और आपको यहाँ पर डेफिनेटली जेई क्रैक करना ही है, देन प्लस इज समथिंग दैट यू शुड गो फॉर. ठीक है, प्लस जो है वहाँ पर आपको एक सब्सक्रिप्शन जरूर लेना होगा, बट दैट विल गिव यू अ गुड डिसिप्लिन ताकि आपकी वहाँ पर रेगुलरली क्लासेस चलती रहें. हर दिन बढ़ने का इंपॉर्टेंस है. ठीक है, अगर यहां पर आप रेगुलरली अटेंड कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, देन अगेन इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस. आई कैन एक्चुअली सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग रेगुलरली. ठीक है, कुछ बच्चों के नाम भी याद हो चुके हैं मुझे अब तो. यूट्यूब पे बच्चों के नाम याद होना मतलब बहुत बड़ी बात है. ठीक है, यहां पर क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द लेक्चर्स रेगुलरली. ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहां पर कुछ बच्चों का डिसिप्लिन कितना अच्छा है. अगर आप भी वो मेंटेन कर सकते हो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज प्लस इज समथिंग विच यू शुड टेक ताकि आपको एक अच्छा पुश मिलेगा अपनी प्रिपरेशन में. ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो बच्चों एक सिंगल सब्सक्रिप्शन है जो आपके सारे दरवाजे ओपन कर देगा. आपको यहां पर जिस टीचर से पढ़ना है उनसे पढ़ो, जो कोर्स पढ़ना है वो पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ो. ठीक है, कब पढ़ना है आप डिसाइड करो. ठीक है, लेकिन हमारी टीम के ऑलरेडी रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं. ठीक है, तो आप अगर जाना चाहते हैं रेगुलर कोर्सेज के साथ में देन वी आर देयर टू हेल्प यू गाइस, है ना. इमर्ज और इवॉल्व नाम के कोर्सेज आपको हमारी प्रोफाइल पे जाके मिल जाएंगे. ठीक है, ऑलराइट. उसके लिए करना क्या रहेगा, लेकिन आपको एंटर करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन जरूर लेना होता है, बट आई थिंक दैट इज वेरी इजी. हम यहां पर मल्टीपल चीजों के सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लेते आए हैं. ठीक है, नेटफ्लिक्स पे आपने कभी किया होगा, हॉटस्टार का आपने सब्सक्रिप्शन बाय किया होगा. ठीक है, तो अगर आपने ये सब चीज़ें की हैं तो आपने डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन को यूज़ कैसे करते हैं वो सीखा होगा. तो यहाँ पर वैसा ही कुछ है. यहाँ पर फिर से आपके पास एक कोड है बच्चों, तो जाके आपको यहाँ पर और ज़्यादा आसानी हो जाए टू गेट इन एंड स्टार्ट लर्निंग. ठीक है, जेई लाइव कोड आपकी यहाँ पर जो कोड है वो हमारी टीम का कोड है ना. ये जो कोड है ये क्या करता है, आपको ये बेनिफिट देता है कि ये 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा. ठीक है, यहाँ पर प्राइजेस कैसे देख रहे हो बच्चों आप, प्राइजेस अगर आपको दिखाई दे रही बताता हूँ मैं. यहाँ पे 12 मंथ का जो आप सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करोगे वो इनिशियली आपको लगता है 2083 रुपीज़ का पर मंथ. ठीक है, 2083, नाउ दैट इज ऑलरेडी क्वाइट लेस.
लेकिन आप अगर JEE लाइव कोड यूज करोगे इट विल कम डाउन टू 1800 रुपीज, ठीक है, और आपका जो ओवरऑल कॉस्ट होगा दैट वुड बी 22500 फॉर 12 मंथ्स पीरियड. यू कैन डिस्कस ऑल द कंटेंट ऑफ JEE विद ऑल द यहाँ पे ऑसम टीचर्स फॉर 22500 रुपीज, ठीक है, फॉर 12 मंथ्स. 12 महीने में तो डेफिनेटली आप क्रैक करके ही आगे बढ़ोगे, ठीक है JEE, ठीक है. तो ये कुछ है यहाँ पर फैसिलिटीज जो है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेस, मतलब आपको डिसाइड नहीं करना है, आपको डिसाइड नहीं करना है कि आपने कौन से कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ पे पैसे देना है. आपने तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी कोर्स फिर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके अंदर जाके क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. दैट्स वाई सब्सक्रिप्शन मॉडल इज मच बेटर देन द मॉडल्स जहाँ पर आपको एक एक कोर्स बाय करने की जरूरत पड़ती है. पता चला आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोर्स बाय किया लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें आपको समझ में नहीं आ रही, देन दैट इज वेस्टेड, ठीक है. यू कैन नॉट गो एनी वेयर एल्स, आपको कहीं और जाना है तो आपको अलग सब्सक्रिप्शन बाय करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. सो दैट इज नाउ हियर, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स आर वर्किंग हियर, ताकि यहाँ पर बच्चों को ज्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है. ऑलराइट, सो दैट वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट प्लस. लेकिन यहां पर स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन, और हर बार की तरह होमवर्क डिस्कशन के साथ में स्टार्ट करेंगे. लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था मीन डिविएशन का, और उसके बाद एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, ठीक है. उसके डिस्कशन से अगर स्टार्ट करेंगे तो मीन डिविएशन का हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया ऐसा मान सकते हैं, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरियंस, ठीक है. दैट इज वॉट वी आर एमिंग फॉर टूडे. वो वाला अगर आपको फंडा समझ में आ गया ना बच्चों, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है, ऐसा आप अभी से बैठ के मान सकते हो. तो आप अगर अगस्त में बोल रहे हो कि आपका एक क्वेश्चन पक्का है, तो दैट एक्चुअली इज अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर, ठीक है. और जो पिछला एक हफ्ता बच्चों आपने मेहनत करी है उस पे से आपको तीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है. इसके बाद एक और लेक्चर रखूंगा मैं मैथमेटिकल लॉजिक का, वो अगर मिला लोगे तो पक्के से आपको तीन क्वेश्चन करते आ जाएंगे, विच इज अ वेरी बिग थिंग अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है. आपको अगर 30 में से तीन क्वेश्चन पहले से पता है कि आप कर सकते हो, है ना, तो आप बाकी के टॉपिक्स के लिए फिर मेहनत करना स्टार्ट कर सकते हो. कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बायनोमियल हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया, ठीक है. इनमें सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ दो चार क्वेश्चन उसके अंदर से आपको मिलेंगे, ठीक है. ऑलराइट, सो वो भी करेंगे, बट ऑर्डर शुड बी दिस, पहले ये करो उसके बाद में वो करो, ठीक है. बिकॉज वी नीड टू डू स्मार्ट वर्क, ठीक है. यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करके कोई मतलब नहीं, स्मार्ट वर्क करोगे तो ज्यादा फायदा होगा. ऑलराइट, तो यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, ये दिया था कि इफ द मीन डिविएशन का क्वेश्चन था ये, इफ द मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन. अच्छा, यहाँ पर मीडियन निकालना पड़ेगा, मतलब पहले लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था वो मीन वाला था. मीन डिविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द नंबर्स ए टू ए अप टू 50A इज 50. मीन डिविएशन का वैल्यू 50 के बराबर है, ठीक है. देन मॉड ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है. यहाँ पर आपने हर वैल्यू के अंदर मॉड मल्टीप्लाई किया हुआ ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है. तो क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, हमें सोच सकते हैं कि मीन डिविएशन का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन उसके पहले मीडियन तो निकालना पड़ेगा हमें. तो मीडियन का डिस्कशन पहले करते हैं. मीडियन अगर आपको निकालना होता है तो वो होता है बीच वाला वैल्यू. बीच वाला वैल्यू अगर बच्चों आपके पास में यहाँ पर ए है, टू है, अप टू 50A है, तो क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे टोटल 50 वैल्यूज हैं. अगर यहाँ पे टोटल 50 वैल्यूज है, मतलब इवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज है. इवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज का डिस्कशन में लास्ट क्लास में किया था. प्रॉब्लम क्या आती है कि इवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज के लिए आपको बीच में एक्चुअली दो क्वांटिटीज मिलेंगी, ठीक है. जो 25th और 26th लोकेशन है, 25th और 26th लोकेशन के बीच में एक्चुअली आपका नंबर आना चाहिए, ठीक है, वो मीडियन कहलाएगा. तो यहां पर मुझे पता है कि 25th लोकेशन एक्चुअली कौन सी होगी, ठीक है. जो 25th लोकेशन होगी वो आपकी हो जाएगी 25A, है ना. जनरल पैटर्न ऑब्जर्व करके दिख रहा है, पहला वाला नंबर A है, दूसरा वाला 2A है, तीसरा वाला 3A है. तो 25th वाला जो लोकेशन है वो आपका 25A है. और ऐसे 26th लोकेशन पे जो आपका नंबर है दैट इज 26A. अब इनके बीच में एक नंबर होता तो मजा आ जाता, लेकिन इनके बीच में एक और नंबर होता तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती, उस केस में तो प्रॉब्लम आता ही नहीं है, ठीक है. लेकिन इनके बीच में कुछ है नहीं, तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है कि आप इन दोनों नंबर्स का एवरेज लेके उसको मीडियन बोलोगे, ठीक है. तो यहां पर आपका मीडियन का आंसर कितना निकल के आएगा, योर मीडियन विल बिकम एक्चुअली इनका एवरेज विच इज 25.5A. बहुत ही आसानी से दिख गया हमें इसका मीडियन का आंसर, ठीक है. अब मीडियन के अबाउट अगर मुझे मीन डिविएशन कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि मैं हर ऑब्जर्वेशन में से ये मीडियन का वैल्यू पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिविएशन पता चलेगा, उन सारे डिविएशन का मॉडुलस साइन लूंगा और फिर उन सबको ऐड करके एवरेज निकालूंगा, ठीक है. दैट इज द प्रोसेस. तो यहां पर एक बार फॉर्मुला भी लिख के बताता हूं. फॉर्मुला क्या है आपका, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, कैपिटल एम के अबाउट अगर आप मीन डिविएशन निकालना चाह रहे हो, देन आपका सिग्मा ऐसा दिखेगा. सिग्मा के अंदर, मॉड के अंदर, हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपने एम सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, ठीक है. ये करोगे सिंपल सी बात, तो आपको मीन डिविएशन पता चलेगा. तो एक एक करके सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, क्या दिक्कत है, उनको ऐड कर लेंगे फिर. तो पहला वाला ऑब्जर्वेशन है ए, उसमें से 25.5A अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 24.5A, है ना. उसके ऊपर मॉड भी लगा हुआ है. उसके बाद आपके पास 2A,
2A, अगर 2A में से अगर ये 25.5 सबट्रैक्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास -23.5A, ठीक है। और ऐसा करते करते कहीं ना कहीं आपके पास बीच में 25A वाला टर्म आएगा, 25A में से जब ये सबट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा -0.5A। और क्या होगा उसके जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म, उसके नेक्स्ट वाला टर्म होगा 26A, उसमें से अगर सबट्रैक्ट करोगे तो इस बार क्या होगा नेगेटिव क्वांटिटीज आना बंद हो गई और आपकी पॉजिटिव क्वांटिटीज आना स्टार्ट हो गई। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सिमेट्रिक है, तो यहां पर आपके देख सकते हो कि -0.5A के बाद में +0.5A आया, तो इसके बाद वाला टर्म एक्जैक्टली इसके पहले वाले टर्म के बराबर होगा। और ऐसा करते करते आप अगर एंड में जाओगे तो एक बार कैलकुलेट करके खुद भी देख लो, 50A में से अगर ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक्जैक्टली क्या मिलेगा 24.5A, वही मैग्नीट्यूड मिलेगा 24.5A। ये हमने क्या किया, सारे के सारे डिविएशंस लिख दिए और उनको ऐड कर दिया, मतलब न्यूमरेटर हमारा आ गया। लेकिन अभी ये जो पूरा का पूरा है बक्सा, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में, 50 ऑब्जर्वेशन है, तो 50 से डिवाइड कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि अगर मैं मॉड वाकई इसको सॉल्व करूंगा तो ये भी पॉजिटिव 24.5 हो जाएगा, ये पॉजिटिव 23.5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, दो दो बार आएगा, 0.5A यहां से भी आएगा, 0.5A यहां से भी आएगा, 24.5A यहां से भी आएगा, 24.5A यहां से भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है। तो इस सीरीज को अगर मैं ऐड करना चाह रहा हूं तो ये बहुत ही बढ़िया सी एक एपी बनने वाली है ना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। होपफुली बाकी सब बच्चे भी इस बात को समझ पा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा बच्चों। तो यहां पर क्या क्या आएगा, दो दो बार आएगा, दो दो बार क्या क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ क्या क्या आएगा, 0.5A, उसके बाद 1.5A, और ऐसा करते करते कहां तक जाएगा, 24.5A तक जाएगा। ये डिवीजन किससे चल रहा है इसका, अभी इसका 50 से डिवीजन चल रहा है, क्योंकि मैंने अब यहां पे दो दो बार नहीं लिख के 0.5A को एक ही बार लिखा है। तो ये जो मेरे पास ब्रैकेट है इसके अंदर कितनी टर्म्स बचेंगी, 25 ही टर्म्स बचेंगी, ठीक है। यहां पर मेरे पास 25 टर्म्स है इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि टू टाइम्स हमने अलग से निकाल के रख लिया, ठीक है। इस चीज को कैलकुलेट करने पे आपको कितना आंसर मिलना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 आंसर मिलना चाहिए। तो आपके पास एक ए में इक्वेशन आ चुकी है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर ए को मैंने ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, क्वेश्चन भी देख के वैसे हमें समझ में आ रहा है कि मॉड को इंपॉर्टेंस देना है, तो यहां पर मॉड दे देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने सिंप्लीफाई तो कर दिया लेकिन ए का वैल्यू एक्जैक्टली मुझे पता नहीं, तो लेट अस कीप इट इन मॉड इटसेल्फ, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर इसका मतलब क्या, मॉड ए कॉमन निकाल सकता हूं मैं, और मॉड ए अगर कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास जो आएगा ब्रैकेट वो है 0.5 प्लस 1.5, ऐसा करते करते 24.5 तक है ना। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला यूज करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए, और अंदर हो जाएगा एन बाय 2, 25 टर्म्स है, एन बाय 2 इनटू 2A ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब कितना हो जाएगा 1, प्लस एन माइनस 1, मतलब 24 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस विच इज 1, है ना, एक एक करके बढ़ रहा है सब कुछ, तो कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, और नीचे आ जाएगा 50, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, ये 50 के बराबर दिया हुआ है, ये जो आपका मीन डिविएशन का वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 50। तो ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन बनने वाला है आपका। यहां से क्या होगा, ये 50 चले जाएगा उस साइड, ये 202 आपस में हो जाएंगे कैंसल, और आपके पास यहां पर आ जाएगा 25 इंटू 25, ये भी 25 है, ठीक है। तो मॉड ए का जो वैल्यू है दैट इज 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 इंटू 50, बस 25 से 50 कैंसिल करके 2 आएगा, 25 से 50 कैंसिल करके 2 आएगा, तो मॉड ए का वैल्यू आपका आ रहा है 4। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। कहां लिखा है ये, बी ऑप्शन में लिखा है, क्लियर हो रहा है, चीज है सिंपल है बच्चों, बस कैलकुलेशन करते हैं आपको आनी चाहिए। अगर आपने पता ही नहीं किया कभी कि मीन डिविएशन कैसे निकलता है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। आप बस ये फॉर्मूला भी अगर पता करते हो तो यहां पर हमने कुछ भी बहुत टीडियस काम नहीं किया है, ठीक है। ये आसान है चीजें सोचना, इसके कंपैरिजन में आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सोचोगे या फिर आप कोनिक सेक्शन सोचोगे तो वहां पर आपको बहुत थॉट देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के भी आपको 4 नंबर मिलेंगे, 2011 में जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आया था आपको मेंस में इसके भी 4 नंबर मिले होंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ढूंढ लो 2011 का, उसके भी 4 ही नंबर थे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल दीज क्वेश्चंस फर्स्ट, ऑल्सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग पेपर, ठीक है। टॉपिक प्रिपेयर करते समय तो करो ही, लेकिन अटेम्प्ट करते समय भी इनको पहले उठाओ और सॉल्व करके रख दो अलग से, ठीक है। तो यहां पर आते आते हमारा बच्चों मीन डिविएशन का डिस्कशन आई थिंक कंप्लीट हो गया है। आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, ताकि एक अच्छा होल्ड आ जाए आपको। लेकिन आगे हम स्टार्ट करते हैं यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरियंस। अब स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरियंस अपने आप में इंपॉर्टेंट, दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन ये इतने अच्छे से रिलेटेड हैं कि हम इनको एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन एक वैल्यू है जो आपको डिस्पर्स कितना है डेटा वो बताता है, डेटा कितना डिस्पर्स है वो बताता है, लेकिन उसी वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो उसको वेरियंस बोलते हैं,
ठीक है, तो हम मेजर फोकस स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर रखते हैं और उसको स्क्वायर करके वेरियंस आता है, तो हम वही फॉर्मुले को स्क्वायर करके समझ जाएंगे कि हाँ वेरियंस का फॉर्मुला क्या होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए पहले हमने यह सोचना चाहिए कि मीन डिविएशन कैसे कैलकुलेट हुआ था। मीन डिविएशन कैसे कैलकुलेट हुआ था? मीन डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमने हर ऑब्जर्वेशन में से एक कोई क्वांटिटी सबट्रैक्ट की थी, हर ऑब्जर्वेशन में से एक कोई क्वांटिटी सबट्रैक्ट की थी, लेकिन सबट्रैक्ट करके उसके ऊपर मॉड क्यों लगाया था? मॉड इसलिए लगाया था क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था बच्चों कि अगर मॉड नहीं लगाएंगे सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सारी प्लस माइनस बनकर कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा, जैसे इस केस में वाकई होने वाला था। यहां पर आपके पास माइनस वाली क्वांटिटी भी थी, प्लस वाली क्वांटिटी भी थी, माइनस वाली क्वांटिटी थी, प्लस वाली क्वांटिटी भी थी, तो अगर इसके ऊपर मॉड नहीं लगा होता तो इसका तो डिविएशन का आंसर जीरो आ गया होता। लेकिन क्या डेटा यहां पर डिविएटेड नहीं है क्या? 25.5 के अबाउट डेटा डेफिनेटली डिविएटेड है, वो यहां पर ए से स्टार्ट होकर 50 ए तक डिविएटेड है। ठीक है, तो यहां पर डिविएशन तो था, तो हमने वो टैकल करने के लिए क्या किया? मॉड का यूज किया। मॉड क्या करता है? चीजों को पॉजिटिव कर देता है, तो नेगेटिव वाली चीजें भी पॉजिटिव जैसी ही काउंट हो रही है। लेकिन मॉड के अलावा एक और ऑपरेटर है जो चीजों को पॉजिटिव करता है, विच इज अ स्क्वायर ऑपरेटर। अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूं तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यह जो थॉट है कि हम डिविएशन को पॉजिटिव बनाने के लिए स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये यूज करके एक्चुअली आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन का रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखोगे तो आपको फॉर्मूले में कुछ नया नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि आपने पहले क्या किया, आपने हर, अच्छा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन हमेशा किसके अबाउट होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन हमेशा मीन के अबाउट होगा। ठीक है, लेकिन मीन डिविएशन के कैलकुलेशन में आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। जैसे हमने एक जो लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था उसके अंदर मीन था, जबकि अभी जो हमने होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर मीडियन था। आप कुछ दूसरी वैल्यूज भी ले सकते थे अगर किसी ने कुछ और दी हुई होती तो। ठीक है, तो वहां पर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता 25 लेके करो तो हम 25 लेके भी मीन डिविएशन का कैलकुलेशन कर सकते थे। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे ही किसी ने बोल दिया तो यहां पर हम अब कोई चॉइस नहीं रख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन हमेशा मीन के अबाउट ही होता है। मतलब हमेशा नंबर्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? एक्स बार ही सब्ट्रैक्ट करोगे, और कोई चॉइस नहीं है। एक्स बार क्या रिप्रेजेंट करता है? मीन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब यहां पे सोचो किया क्या है आपने, यहां पर हर नंबर में से मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव बनेगा कुछ नेगेटिव बनेगा। मीन से कुछ नंबर बड़े होते हैं, मीन से कुछ नंबर छोटे होते हैं, होता ही है। मीन से कुछ नंबर बड़े होते हैं, मीन से कुछ नंबर छोटे होते हैं, तभी तो वो मीन है। आई बस समझ में, बीच वाली वैल्यू कैसे आएगी? जब आसपास में कुछ वैल्यूज होंगी तब आएंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो आपके पास कुछ पॉजिटिव क्वांटिटीज है कुछ नेगेटिव क्वांटिटीज है, तो यहां पे अगर आपने उनका स्क्वायर कर दिया तो सारी की सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव हो गई। और स्क्वायर करके आपने ऐसा सोचो कि एवरेज निकाल लिया, उन सारे स्क्वायर वाले क्वांटिटीज का एवरेज निकाल लिया, मतलब क्या किया? सबको ऐड किया, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबको ऐड किया, और सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो थी उनसे डिवाइड कर दिया, तो मीन निकालने का तरीका है ना। हमने डिविएशंस को डायरेक्टली मीन लेने की जगह क्या किया, डिविएशंस का स्क्वायर करके मीन ले लिया, उन वैल्यूज का मीन ले लिया। लेकिन फिर हमें ऐसा लगा कि यार स्क्वायर कर दिया हमने, कुछ गड़बड़ कर दी, तो इसलिए बाद में हमने अंडररूट भी ले लिया। ठीक है, तो ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहे हैं यहां पे। ठीक है, ऑलराइट, तो पहले हमने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करके मीन निकाला और फिर अंडररूट भी ले लिया। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी बनी है इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका नाम है। ठीक है, आई होप यहां पर आपको फॉर्मूला याद हो गया। हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यूज को स्क्वायर करो, ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो और फिर उसका अंडर रूट ले लो। ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है। लेकिन ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए, मतलब क्या है आपके पास में आपके सारे टेस्ट के मार्क्स है, इंडिपेंडेंटली आपके टेस्ट के मार्क्स है, 10 टेस्ट है, आपने सभी के लिए ऐसा काम कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप्ड डेटा है, लेट अस से आपके टेस्ट के मार्क्स 9th के भी हैं, 10th के भी है, 11th के भी है, 12th के भी, आप 4 साल में अपनी क्या प्रोग्रेस ऐसा देखना चाह रहे हो, ठीक है, देन इन दैट केस आपको ऐसा मिल सकता है कि बहुत सारे टेस्ट के नंबर्स आपके सेम होंगे। ठीक है, अगर बहुत सारे नंबर सेम है तो बहुत सारे नंबर्स का डिविएशन भी सेम ही आएगा। फिर तो अगर आपके पास लेट अस से 50 के अबाउट आपको डिविएशन निकालना है, 50 एवरेज है आपका, तो यहां पर अगर बहुत सारे बार आपको अगर 75 आया है तो हर बार 75 माइनस 50 25 बनने वाला है। ठीक है, तो अगर आप बार बार 25 स्क्वायर 3 बार लिखना वाले हो, उससे अच्छे 3x25 स्क्वायर भी लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब क्या है यहां पे, आप अगर सेम क्वांटिटीज रिपीट हो रही है ऐसा देखते हो तो FIXI स्क्वायर वाला भी ब्रैकेट बना सकते हो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर ग्रुप्ड वाला डेटा कैसे दिखता है आपको? FIXI स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट दिखता है। FIXI माइनस एक्स बार का स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, है ना, FIDI स्क्वायर बोल दो अगर चाहिए तो, FIDI स्क्वायर, और डिविजन में क्या आ जाएगा फिर? एन आ जाएगा, और एन क्या है? सिग्मा एफआई का वैल्यू है। एन मतलब क्या है? सिग्मा एफआई, एन मतलब सिग्मा एफआई, सारे फ्रीक्वेंसीज को अगर आप ऐड कर दोगे। तो ऐसा काम बच्चों हमने मीन में भी किया हुआ है, तो आप यहां पर ये आपको बात नई नहीं लग रही होगी कि हम फ्रीक्वेंसी का यूज करके इस तरह से फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर सकते हैं यहां पर। लेकिन अगर देखो जाओगे तो मैथमेटिकली हमने कोई चेंज नहीं किया है, हम ये बोल रहे हैं बस कि आपके पास जो आयत ऑब्जर्वेशन है वो 5-6 बार रिपीट हो रहा है,
जितने बार रिपीट हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट सेम क्वांटिटी का स्क्वायर मल्टीपल टाइम्स, हम उसको दैट मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिकली ये बिल्कुल सेम बात है, आ रही बात समझ में। तो यहां पर करना क्या होता है, करना तो ये होता है, तो लेट अस फोकस ऑन दिस मोर देन एज कंपेयर टू ग्रुप डेटा वाला, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डेटा का आपको अगर यूज करने की जरूरत पड़ती है तो आपको टेबल वगैरह बनाना पड़ेगा, लेकिन जितना भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर के, कहीं पर भी आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही कि आपको यहां पर एफ आई एक्स आई वाला फॉर्मा यूज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मूले तो हमारे इसी सिंपल वाले फॉर्मूले से काम चल जाता है, ओके। तो अब यहां पर सोच पा रहे हो अब क्या होगा, यहां पर जब आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे तो आपको हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये सब्ट्रैक्शन के बाद में हो सकता है डेसिमल क्वांटिटी आ जाए, तो डेसिमल क्वांटिटीज बनेंगी, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही टीडियस कैलकुलेशन है, आंसर तो इससे ही आता है क्योंकि ये डेफिनेशन है स्टैंडर्ड डिविएशन की, ठीक है, तो आंसर तो इससे ही आएगा। लेकिन हम क्या सोचेंगे अभी कि क्या मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं क्या, और क्या यहां पे मैं कंप्यूटेशनल फॉर्मूला निकाल सकता हूं क्या। कंप्यूटेशनल फॉर्मूला मतलब क्या है, हम हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले को थोड़ा सा इस तरह से चेंज करें ताकि कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन थोड़ी आसानी से हो जाए। दैट इज द मेन थॉट हियर, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल बी यूजिंग। समझने के लिए फॉर्मूला नंबर वन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला नंबर थ्री इज इंपॉर्टेंट, जो यहां पर हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है सिग्मा, वो होता क्या है, अंडर रूट के अंदर सिग्मा करना है, कैपिटल सिग्मा या स्मॉल सिग्मा। कैपिटल सिग्मा के अंदर क्या आएगा आपके पास, x माइनस x बार या फिर एक्स आई कर लेते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवीजन बाय n, ये हमारा फॉर्मूला है, बाय डेफिनेशन ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं क्या सोचूंगा कि मुझे सिग्मा की प्रॉपर्टीज आती हैं, क्यों, क्योंकि मैंने सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ लिया है, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज पहले पढ़ने का अच्छा फायदा लग रहा है हमें, है ना, यहाँ पर सीक्वेंस सीरीज अगर किसी ने मिस किया है बच्चों, हमने बहुत ही डिटेल में सीक्वेंस सीरीज के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, इंक्लूडिंग ऑल द स्पेशल सीक्वेंसेस, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस मिलेंगे, एक बार अगर कोई नया ज्वाइन कर रहा है तो उसने होम पेज पे जाके एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। और ये सोच के बहुत ज़्यादा दुखी मत हो जाना कि इतना सारा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा दिया सर ने, ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करो, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको पहले डिफिकल्ट लग रहा है उससे स्टार्ट करो, और बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें फिर कॉन्फिडेंस लाना स्टार्ट करो, ठीक है। ऑलराइट, काफी सारे बच्चे क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सर इतना सारा बैकलॉग हो गया है, अब हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है। तो बैकलॉग तो बच्चों साथ साथ ही कवर होता है ना, आपको एक्स्ट्रा अलग से एक दो घंटे दिन के निकालने पड़ते हैं ताकि आप बैकलॉग में वो डिवोट करके उस बैकलॉग को खत्म कर पाओ, ठीक है। बट बैकलॉग इस तरीके से कभी खत्म नहीं होगा कि अब मैं एक महीना बैठ के पीछे वाला सब कुछ पढ़ लूंगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप एक महीना बैठ के पिछला वाला कुछ पढ़ोगे बैकलॉग खत्म करने के लिए, तो उस एक महीने में जो मैंने पढ़ा दिया है या आपके किसी और टीचर ने पढ़ा दिया है, ठीक है, वो फिर मिस हो गया आपका, तो वो बैकलॉग में ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो कभी बैकलॉग खत्म ही नहीं हो सकता, आपको रेगुलर पढ़ाई करते रहना है और दिन में एक दो घंटे एक्स्ट्रा निकाल के बैकलॉग के ऊपर मेहनत करके उसको खत्म करना है, ठीक है। अगर एडवाइस चाहिए तो दैट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एडवाइस विच आई कैन गिव यू गाइस, ठीक है। काफी सारे बच्चे पूछते रहते हैं क्योंकि बैकलॉग क्या क्या करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द एडवाइस, ऐसा करो, ठीक है। फिर बच्चे बोलेंगे सर टाइम ही नहीं हमारे पास तो एक्स्ट्रा, तो टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर भले आप एक घंटा कम सो, लेकिन फिर पढ़ के सोना थोड़ा सा पीछे वाला, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर देखो कैलकुलेशन कैसा हो रहा है, अंडर रूट के अंदर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर मैं बोल रहा हूं कि स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। अगर मैं स्क्वायर को ओपन करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, आपके पास आएगा यहां पे एक्स आई का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स बार इंटू एक्स आई, ठीक है। मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स बार का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और डिवीजन में क्या है आपके पास में, एन है, ठीक है, नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो डिवीजन में। तो अब यहां पर सिग्मा क्या बोलता है कि इनको अलग अलग भी अगर आपने ऐड किया तो भी चलेगा, अलग अलग भी अगर आपने ऐड किया तो भी चलेगा। तो यहां पे सिग्मा तीन पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो तीन पार्ट्स में सिग्मा ब्रेक होगा, तो पहले सिग्मा मिलेगा एक्स आई स्क्वायर को, सिग्मा मिला एक्स आई स्क्वायर को उसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया, सिग्मा मिला एक्स आई स्क्वायर का उसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहां पर आगे वाला भी आएगा, तो यहां पर जब ये आगे वाले को मिलेगा तो यहां पर ये जो क्वांटिटी है ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, बाकी एक्स आई वाली क्वांटिटी जो वेरिएबल है, ठीक है। आई की अलग अलग वैल्यू डालूंगा तो x1 x2 x3 अलग अलग क्वांटिटीज बनेंगे, तो वो क्वांटिटी सिग्मा के बाहर नहीं आ सकती, लेकिन ये 2x बार वाली क्वांटिटी सिग्मा के बाहर आ सकती है, ठीक है। तो इफेक्टिवली ये जो लिखा जाएगा सेकंड वाला, दैट वुड बी लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, 2x बार इनटू सिग्मा के अंदर xi, ठीक है। ऑलराइट, ये सिग्मा के अंदर क्या था एक्चुअली, 2x बार इनटू xi, लेकिन 2x बार मैंने बाहर निकाल लिया। और वैसे ही यहां पर फिर से क्या होगा, ये सिग्मा के अंदर क्या जाने वाला है, x बार का स्क्वायर, लेकिन x बार वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, वो आपके डेटा का मीन है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। हर बार चेंज होगा नहीं, मीन तो वैल्यू सेम ही रहेगी। तो यहां पे फिर से आप क्या सोच सकते हो कि सिग्मा के अंदर एक्स बार का स्क्वायर गया, लेकिन यहां से एक्स बार का स्क्वायर ही बाहर आ गया तो अंदर कितना बचेगा, वन, अंदर बचेगा वन, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया यहां पे, प्लस
x bar का square और sigma आ गया 1. लेकिन अभी मुझे इसको भी n से divide करना है और मुझे इसको भी n से divide करना है, ठीक है? बहुत बड़ा under root है, यहाँ पे miss out मत करना, ठीक है? ये under root चलते जा रहा है, ये तीन terms है under root के अंदर. All right, तो मैं इसको अगर ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ज़्यादा clear रहेगा मेरे ख्याल से. ये हटाते हैं और थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ under root को. ये सब कुछ under root के अंदर है, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से सोच के बताओ. जब मैं सिग्मा वन करूंगा, सिग्मा वन का वैल्यू बच्चों आपको याद है सीक्वेंस सीरीज से कितना होता है? सिग्मा वन का वैल्यू होता है एन के बराबर, नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर, ठीक है? वन 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 अगर ऐड करोगे एन टाइम्स तो एन आंसर आएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो वन है और ये जो एन है ये कैंसिल हो रहा है, सिग्मा वन एंड एन कैंसिल हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है. अगर आप यहाँ पर देखते हो कि आपने सारे सिग्मा एक्स आई कर लिया और उसको एन से डिवाइड किया, तो इसका भी तो एक आंसर पता है हमें. अगर आपने सारे नंबर्स को ऐड किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया तो इसी को तो मीन बोलते हैं. आ रही बात समझ में? तो ये जो आपका पोर्शन है ये कंबाइन होकर एक्चुअली मीन बनने वाला है. और अगर ये मीन है देन इन दैट केस इसको मैं एक्स बार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको मैं एक्स बार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं. तो ये बाहर भी एक्स बार मतलब मीन लिखा हुआ है, ये भी जो मैंने रेड से बॉक्स बनाया ये भी एक्स बार है. तो कितना हो गया ये, माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स बार का स्क्वायर. तो आपका अंडर रूट के अंदर क्या बन रहा है अभी, अभी सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर एंड प्लस एक्स बार का स्क्वायर आगे और है. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बार का स्क्वायर बचेगा बस, ठीक है? सो दिस इज द कंप्यूटेशनल फॉर्मुला दैट यू कैन यूज टू फाइंड सिग्मा एवरी टाइम विदाउट मिस. इसी को यूज करना बच्चों, ठीक है? बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हम डेफिनेशन वाला फॉर्मुला यूज करेंगे, बट अदरवाइज 95% ऑफ द केसेस में आपको यही वाला सिग्मा का फॉर्मुला यूज करना है. कौन सा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है? छोटा है, इसके अंदर आपको डायरेक्ट वैल्यूज को स्क्वायर करना है, आपको बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करके नए वैल्यूज जनरेट करके उनका स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज द मेन आइडिया. और अगर आपको सिग्मा समझ में आ गया है, मतलब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन अगर समझ में आ गया है, देन वेरियंस इज वेरी इजी. वेरियंस का डेफिनेशन की देखो क्या है, वेरियंस क्या बोलता है आपको कि इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. बहुत ही बढ़िया बात है. अगर स्क्वायर है स्टैंडर्ड डिविएशन का, इसका नोटेशन भी हमने दिमाग लगाने की ज्यादा कोशिश नहीं करी, है ना? हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा बोल दिया था, तो हमने बोला कि अच्छा इसका नोटेशन चाहिए क्या, तो इसका नोटेशन सिग्मा स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही स्क्वायर करना है, ठीक है? तो सिग्मा स्क्वायर अगर मैंने करी दिया है तो आपको सिग्मा वाला फॉर्मुला याद हो गया ना, बस उसी का स्क्वायर कर दो. मतलब क्या करना है, अंडर रूट हटा दो, तो आपका वेरियंस का फॉर्मुला आ जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है? ये आपका वेरियंस का फॉर्मुला है और सिग्मा स्क्वायर आपका वेरियंस का नोटेशन है, ठीक है? आपको इतना कंटेंट पता होना चाहिए टू डू क्वेश्चंस ऑफ मेंस, ठीक है? ये वाला फॉर्मुला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. लेकिन यहां पर देखो, आपको पहले तो मीन का फॉर्मुला पता होना चाहिए, लेकिन वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया है, क्योंकि आपको बार बार मीन निकालना पड़ेगा और फिर ये कैलकुलेशन करके आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियंस के आंसर्स आना स्टार्ट होंगे, ठीक है? तो आए आप यहां तक आते आते, क्योंकि सारे फॉर्मुलेस क्लियर हो गए हमें, कैसे आए फॉर्मुलेस वो पता चल गया, वी कैन डेफिनेटली मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस. 2016 का एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है? 2016 में एक क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड डिविएशन पे. ऑलराइट, तो बच्चों यहां पर मैं सारे ही क्वेश्चंस आपसे कौन सा डिस्कस करने वाला हूं, जो आए हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है. जो क्वेश्चंस आए हैं वो बताने का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं. बहुत सारे बच्चों को स्टैटिस्टिक्स इसलिए नहीं आता होगा, शायद उनको बोर्ड्स वाले क्वेश्चन नहीं आते होंगे करते, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े टेबल बना के बहुत सारी कैलकुलेशन करके 15 मिनट तक दिमाग मारना पड़ता है, तब एक क्वेश्चन जाके सॉल्व होता है, ठीक है? लेकिन आप मेंस के क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल फॉर्मुलेस लगाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? कोई टीडीएस कैलकुलेशन नहीं है. तो यहां पर क्या है, इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, अच्छा ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का कुछ तो क्वेश्चन है. इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नंबर्स 2, 3, a एंड 11, कितने नंबर्स है हमारे पास, टोटल चार नंबर्स है, 2, 3, a एंड 11 इज 3.5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ए के लिए कौन सा रिलेशन सही है, है ना? तो ये पूरा ए सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहां पे देखो कोई बहुत अच्छे आंसर्स नहीं निकल के आ रहे, ठीक है? अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व हो रही होती तो शायद मेरे ख्याल से डायरेक्टली आपसे ए का वैल्यू पूछ रहा होता, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सोचना क्या करेंगे, है ना? यहां पर हमें 3.5 किसका वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू पता है. तो ठीक है, यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला सिग्मा होता क्या है, ये होता है अंडर रूट के अंदर, थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा फॉर्मूला है आपका, अंडर रूट के अंदर आएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है? तो यहां पर सिग्मा का वैल्यू कितना दिया है, 3.5, 3.5 मतलब कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, बाद में कर लेंगे चलो. और अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, हर क्वांटिटी का स्क्वायर करके ऐड करना है, हर क्वांटिटी का स्क्वायर बोलते जाओ और लिखते जाओ. तो यहां पर आएगा 4 + 9 + a² + 121,
डिवाइड किसे करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कितने हैं ये, एक दो तीन चार, चार ही हैं, तो चार से डिवाइड कर दो, ठीक है। और एक्स बार मतलब क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकलता है, मीन निकालने के लिए सबको डायरेक्टली ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होता है, तो डायरेक्टली ऐड कर लो, तो 2 + 3 + a + 11 डायरेक्टली ऐड कर लिया और डिवाइड कर देते हैं इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब चार से, लेकिन उसका स्क्वायर भी करना है, फॉर्मूले में स्क्वायर है तो ये कैलकुलेशन के बाद में स्क्वायर करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां तक आ गए। तो क्या आपको एक सिंगल इक्वेशन दिख रही है ए में, ए में क्या आपको एक इक्वेशन दिख रही है? ऑब्वियसली ए को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इन चारों में से कोई एक फॉर्मेट आ जाएगा, वो आपका आंसर है। तो फॉर्मेट तक ही पहुंचना है बेसिकली, आपको सॉल्व भी नहीं करना है पूरी तरह से यहां पर। इसका मतलब क्या पूछ रहा था वो केवल जानना चाह रहा था कि आपको फॉर्मूला लगाते आता है कि नहीं आता है 2016 वाले बच्चों से, है ना। तो 2000 वाले 16 वाले बच्चों से इतना सा एक्सपेक्टेशन था कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला पता है तो बता दो इसके अंदर से कौन सा वाला सही रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे यहां पे, इसको 7/2 लिख के स्क्वायर कर लेते हैं ताकि अंडर रूट हट जाए, ठीक है। तो कैसा बनेगा ये, 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4 बनेगा, और अगर मैंने स्क्वायर कर लिया, अंडर रूट हट गया, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपके पास में 134 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना। और उस साइड कितना आने वाला है, उस साइड आएगा आपके पास माइनस ऑफ ये जो क्वांटिटी है, कितना बन रहा है ये आपके पास बनेगा 16 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा 16 प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर हो रहा है तो 16 हो जाएगा। तो ये कुछ तो बन रहा है आपके पास में, ठीक है। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि पूरे ऑब्जर्वेशन को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिनोमिनेटर वाला टेंशन खत्म हो जाएगा, सो लेट अस डू दैट। पूरे ऑब्जर्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन को, तो हो जाएगा 49 × 4, इधर हो जाएगा आपके पास में 134 × a² × 4, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 16 + a² का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर एक एक करके ओपन करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, अगर मेहनत करेंगे तो आंसर भी आएगा। तो बच्चों आपको बस कैलकुलेशन वाली मेहनत करनी होती है स्टैटिस्टिक्स में, और वो भी एक्चुअली नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मेहनत है। 194 × 4 ये आपका इधर आ गया मल्टीप्लीकेशन में, और साथ में प्लस है क्या यहां पे, ओहो बीच में प्लस है, और अच्छे से बना देते हैं प्लस का साइन, ओके। और इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, और माइनस इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256, फिर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 32a, ऐसा कुछ बन रहा है आपके पास ये इक्वेशन, ठीक है। आई गेस यहां तक आते आते अभी आपको आंसर दिखने लग जाएगा। यहां पर मेरे पास क्या है, मेरे पास है 4a² और माइनस ए स्क्वायर, तो 3a² तो आना ही चाहिए हमारे पास, और क्या है हमारे पास, ए वाला एक ही क्वांटिटी है, ए वाला क्वांटिटी कितना है माइनस 32a, और अगर इसको भी उस साइड लेके आऊंगा तो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स बहुत सारे हैं। कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या, मेरे पास 134 × 4 भी है, 134 × 4, उसके बाद मेरे पास माइनस 256 भी है, और याला भी टर्म उस साइड आएगा तो 49 × 4 भी होगा, 49 × 4, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन आपको अभी मैच करके देखना है किससे मैच हो रहा है। तो इसमें अच्छी बात ये थी, कैलकुलेशन में उन्होंने आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि आपके पास एक ही इक्वेशन है जिसके अंदर 3a² माइनस 32a आ रहा है, 3a² माइनस 32a जो आपके पास आ रहा है वो एक ही क्वेश्चन में आ रहा है, देखिए यहां पे, यस डी ऑप्शन में आ रहा है। तो यहां पे कैलकुलेट करके देख लो, आपका भी आंसर यहां पे 84 बनना चाहिए। अगर ये 84 बन रहा है तो आप कॉन्फिडेंटली डी मार्क कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी बन रहा है तो भी कॉन्फिडेंटली डी मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन है उसके अंदर 3a² माइनस 32 एक ही लोकेशन में दिख रहा है। गेटिंग इट, आइडिया समझ में आ रहा है, बेसिक आइडिया है ना। तो यहां पर आपको फॉर्मूला अगर लगाते आ गया है तो दैट इज सफिशियंट टू गेट टू द राइट इक्वेशन, गेट टू द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन आई वुड स्टिल एडवाइस कि ऐसे थोड़े से कैलकुलेशन की आदत डाल लो, है ना, इस टाइप के बड़े बड़े थोड़े से कैलकुलेशन अगर करते आएंगे आपको, देन यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल मार्किंग द आंसर, ठीक है। ऑलराइट, बट यहां पर जो मेजर फोकस में रखना चाह रहा हूं वो इस पे है कि हमें फॉर्मूला लिख के अप्लाई करते हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये 2014 में आया था, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन फिर से आपको दिखाई देगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा हम करेंगे, ठीक है। द वेरिएशन, सॉरी द वेरियंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, तो पहले तो यहां पर ये सोचते हैं कि ये एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, वो लिख के देखते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरियंस क्या है वो तो हमें पता चल गया है, सिग्मा स्क्वायर, मतलब अभी स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मुला यूज किया ऑलमोस्ट वही फॉर्मुला यूज करना है विदाउट अंडर रूट, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या है, फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स, तो मेरे पास 2 है, फिर मेरे पास 4 है, फिर मेरे पास 6 है, फिर मेरे पास 8 है, ऐसे करते करते मुझे कितने चाहिए, 50 चाहिए, तो ये 100 तक जाएगा, ठीक है, इवन है ना, तो एक एक बीच में छोड़ रहे तो 100 तक जाएगा। तो मेरे पास ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है इनका वेरियंस मुझे निकाल के बताना था, बस इतना सही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेरियंस निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वेरियंस सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा कर लेंगे एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड करेंगे एन से, माइनस हो जाएगा एक्स बार का स्क्वायर,
माइनस हो जाएगा एक्स बार का स्क्वायर. तो यहां पर आपके पास सिग्मा स्क्वायर मार्क करने के लिए ये कैलकुलेशन करना सफिशियंट है. ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, मैं सभी वैल्यूज को ऐड करना चाह रहा हूं स्क्वायर करके. ओहो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सीक्वेंस सीरीज कहने की हेल्प करेगा इसका मतलब हमारी. ठीक है, क्या हो जाएगा, सबको स्क्वायर कर, अदरवाइज तो बहुत बड़ा हो जाता है. तो हो जाएगा यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. ऐसा करते करते आपको जाना है 100 के स्क्वायर तक और डिवाइड करना है आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. कितने हैं आपके पास, टोटल 50 नंबर हैं. ठीक है, 50 से डिवाइड कर दिया. माइनस क्या करना है आपको, ये जो एवरेज आएगा उसका स्क्वायर माइनस करना है. तो एवरेज कितना आएगा इसका, एवरेज मतलब सबको ऐड करो डायरेक्टली 2 प्लस 4 प्लस 6, ऐसा करते करते 100 तक ऐड करो और डिवाइड कर दो 50 से, 50 ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि लेकिन उसका फॉर्मूले में स्क्वायर भी है. ठीक है, तो याद रखना स्क्वायर भी करना है हमें. तो सीक्वेंस सीरीज अगर बच्चों आपको ठीक से आती है करते हैं, तो आप यहां पर ये पहला वाला बड़ी आसानी से बता सकते हो. यहां से मैं क्या करूंगा, पहले तो 2 स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 2 स्क्वायर मतलब कितना कॉमन निकाल रहा हूं, टोटल 4 कॉमन निकाल रहा हूं. अगर 2 स्क्वायर यहां से निकल गया तो ये क्या बनेगा, 1 स्क्वायर, ये बनेगा 2 स्क्वायर, ये बनेगा 3 स्क्वायर, ये बनेगा 50 स्क्वायर. तो इसका तो मुझे अब स्क्वायर्स का सम लिखते आना चाहिए, सिग्मा एन स्क्वायर. ठीक है, 4 बाहर निकालने के बाद आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर दिख रहा है. तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. अगर ये किसी को याद नहीं है तो पहले उसने ये याद करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट ऑल द स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आपका मिस करवा देगा. लेकिन अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपके सीक्वेंस सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, n इंटू एन प्लस 1, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 50 है. ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 मतलब 101 अपॉन 6, मतलब डिवीजन कर देंगे 100, 6 है. और एक 50 तो पहले से था यहां पे, तो 50 भी यहां पे नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा आपको. ठीक है, और माइनस में कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है आपके पास में, ये करते हैं, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो आपके पास अंदर जो बचेगा वो क्या रहेगा आपके पास, एन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50. तो यहां पर फिर से क्या है, नॉर्मल सिग्मा एन का फॉर्मूला लिखते आना चाहिए, विच इज एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, तो यहां पर कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, 50 है. तो एन मतलब 50 इंटू एन प्लस 1 मतलब 51 अपॉन 2, लेकिन यहां पर ऑलरेडी 50 लिखा हुआ था तो उसको भी लिख लेना. तो यहां से बहुत बढ़िया तरीके से कैंसिलेशन हो रहा है. कैंसिलेशन देखो क्या क्या है, आप कैंसिल करोगे यहां पर, सबसे पहले 50-50 कैंसिल कर दो, 2-2 को कैंसिल कर दो, तो ये तो हो गया 51 का स्क्वायर. और यहां पर भी कैलकुलेशन काफी आसान रहेगा क्योंकि यहां पे भी 50-50 कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद ये 4 और 2, 4, 6 और 51 भी आपस में कैंसिल होंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे ये 2 मिलेगा, यहां पे ये 3 मिलेगा और ये यहां पे 17 मिलेगा. ठीक है, क्लियर हो रहा है. तो आपको अभी क्या करना है, ये चीजें मल्टीप्लाई करनी है, 34 इंटू 101 माइनस 51 का स्क्वायर. मानता हूं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इस ऐसा करने से अगर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं फिर. ठीक है, तो 34 इंटू 101 माइनस करना है आपको 51 का स्क्वायर. ठीक है, अगर ये करते हो तो आपके पास आंसर आता है 3833, विच इज योर डी ऑप्शन. ठीक है, करके देखना इसको अच्छे से. This is how we had to proceed. तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर चीजें बहुत ही मेथोडिकल चल रही हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकाल के बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर बस कैलकुलेशन के लिए हिम्मत कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट. ठीक है, और इतना हम बचपन से करते हैं, सबसे पहले हमने इस टाइप की कैलकुलेशन सीखे थे अपने मैथमेटिक्स में. ठीक है, ऑलराइट, तो ये 2014 का क्वेश्चन था, लास्ट जो हमने किया वो 2016 का क्वेश्चन था. आई थिंक यू आर गेटिंग द इंपॉर्टेंस यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का, यहाँ पर रेगुलरली क्वेश्चंस बच्चों आपसे पूछे जा रहे हैं. अच्छा, यहाँ पर बीच में 15 का क्वेश्चन नहीं करा, इसका मतलब नहीं 15 में आया नहीं था, 15 में हो सकता है सिंपल क्वेश्चन आया था, तो उसको मैं इलस्ट्रेशन में नहीं लेना चाह रहा था अभी, इसलिए. अदरवाइज आपको हर साल क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का मिलेगा. ठीक है, इट इज दैट इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर. Alright, so let us see, हम और भी कोई questions practice करके अच्छा इस पे command बना सकते हैं क्या? Very important to actually do this. ठीक है, multiple questions करो और उसके बाद इसको बस अलग करके रख दो chapter को, कि हाँ ये वाला तो हो गया हमारा chapter. ठीक है, वो conference में चाह रहा हूँ कि आप सब बच्चों में आ जाए. अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है, the mean of the numbers a, b, 8, 5 and 10 is 6. यहाँ पर mean का value कितना है, 6 के बराबर है. And the variance is 6.8. अब यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, फिर से decimal quantity आ गई. Then which one of the following gives possible values of a and b? Which of the following gives possible value of A and B? यहां पर अब करके देखते हैं. तो सबसे पहला इक्वेशन तो मीन की मदद से बनेगा, दूसरा वेरियंस की मदद से बनेगा, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि उसने मीन का आंसर दिया हुआ है और वेरियंस के बारे में कुछ तो बोला है उसने, वेरियंस का भी आंसर दिया हुआ है. ठीक है, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनाएंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. ये बेसिक अप्रोच हमें स्टार्टिंग से दिख गया. ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या है, ए और बी का वैल्यू बताना है ना, दो वेरिएबल. ठीक है, तो यहां पर मीन कैसे लिखते हैं हम,
मीन जो होता है हमारा, जिसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है सबको ऐड करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो. तो a प्लस बी प्लस एट प्लस फाइव प्लस टेन कितने हो गए, टोटल 5 हो गए. ठीक है, a प्लस बी प्लस एट प्लस फाइव प्लस टेन, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हम यहां पे 5 से. इसका आंसर कितना निकल के आना चाहिए, इसका आंसर 6 निकल के आना चाहिए. तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो एक इक्वेशन तो बड़ी आसानी से दिख रही है मुझे यहां पे कि a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उस साइड जाके 30, 20 हो जाएगा उस साइड जाके, और 8 और यहां पे अगर निकलेगा तो कितना हो जाएगा टोटल 17 हो जाएगा, 7 हो जाएगा सॉरी. ठीक है, 13 अगर हट जाएगा तो 7 हो जाएगा. तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7 होना चाहिए. यहां से हमारी पहली इक्वेशन आ गई. अब यहां पर ऑप्शन उन्होंने बहुत ही अच्छे बना दिए. प्रॉब्लम यह कि उन्होंने ऑप्शन बहुत अच्छे बना दिए 2008 में, है ना, क्योंकि यहां पर अगर मैं a प्लस बी करके देख रहा हूं तो हर ऑप्शन में 7 निकल के आ रहा है. अगर बाय चांस ऐसा हो गया होता कि यहां पर कोई एक ही ऑप्शन में 7 होता, तब तो मैं वेरिएंस का कैलकुलेशन ही नहीं करता. मैं यहां पर डायरेक्टली a प्लस बी इक्वल टू 7 वाले को मार्क करके आगे बढ़ जाता, क्योंकि अदरवाइज तो कोई सही ऑप्शन यहां पर होता नहीं. लेकिन आप देखो यहां पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सब में आपके पास 7 ही आंसर निकल के आ रहा है. चलो इसमें अच्छी बात यह है कि हमें पता चला कि हमारी इक्वेशन सही बनी है. ठीक है, एटलीस्ट ऐसा बैक चेक हो गया कि इक्वेशन सही बनी है. तो कहीं ना कहीं इसको यूज करेंगे, इसको इक्वेशन बोल के छोड़ दो. उसके बाद में आ जाओ वेरियंस के ऊपर. तो वेरियंस जो है वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला कैसा होता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं क्योंकि इसने एक्स बार का वैल्यू दिया हुआ है. वी नीड नॉट यूज एक्चुअल ए एंड बी वैल्यूज यहां पे टू गेट द एक्स बार वैल्यू, क्योंकि एक्स बार का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है. लेकिन ये पहला वाला तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया उसने, 6.8. तो आपका 6.8 जो है किसके बराबर हो जाएगा, आपका 6.8 होगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर. हर एक टर्म को स्क्वायर करके ऐड करना है. तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर. ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा है. और इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 5 से. माइनस क्या करना है, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे. माइनस क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का स्क्वायर. तो यहां पर हो जाएगा 36. क्लियर हो रहा है इतना सबको. बस यहां से आपको अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी आंसर मिल जाता है, देन यू कैन चेक वेरी इजिली कि यहां पर कौन सा वाला ऑप्शन सही है. ठीक है, दो इक्वेशन तो यहां पर आपको मिल रही है. ठीक है, या तो आप एक्चुअली सॉल्व भी कर सकते हो दो इक्वेशन को, बट आई थिंक दैट शुड नॉट बी द केस. आपको डायरेक्टली आंसर दिख जाना चाहिए यहां पे. तो अगर मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करता हूं, पूरी इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सिंप्लीफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 4 times 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 34. ठीक है, 5 मल्टीप्लाई करके, इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 189. ठीक है, और माइनस कितना हो रहा है, माइनस 36 इंटू 5 होगा. इसको करके देख लेना कितना होगा, ये हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से 180 हो जाएगा आई गेस. ठीक है, तो अगर ये कैलकुलेशन आपके पास हो गया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये अगर 9 है तो 9 पीछे आएगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 180 हो रहा है. तो ये हो जाएगा आपके पास 9 आएगा इस साइड, 9 कैंसिल होगा इसके अंदर से, ये बचेगा 25. तो आपके पास दूसरा इक्वेशन भी बहुत आसान आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आ रहा है, 25 निकल के आ रहा है. अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 25 चाहिए तो फिर 3 और 4 वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया है, बाकी किसी में ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, तो यहां पर फिर से बेसिक फॉर्मूला है लेकिन उसके एप्लीकेशन से आपको फाइनल आंसर तक पहुंचने को मिल रहा है. ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गई बात यहां पर सबको. ठीक है, तो यहां पर हमने काफी सारे क्वेश्चंस बच्चों ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. ये वाला क्वेश्चन ऐसा करते हैं, होमवर्क के लिए रखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ऐसा करता हूं इसको सॉल्व ही कर देता हूं. ठीक है, जाने दो होमवर्क, इसको सॉल्व ही कर देता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. लेकिन ये फिर से एग्जाम में आया था इसलिए आपको यहां पर मैं बता रहा हूं. ठीक है, कि आपको किस रेंज के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे और फिर ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसके अंदर कोई लिटरली कैलकुलेशन भी नहीं है. ठीक है, क्या बोल रहा है यहां पे, इन अ सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशंस, आपके पास 2n ऑब्जर्वेशंस है, हाफ ऑफ देम आर इक्वल टू ए एंड रिमेनिंग हाफ आर इक्वल टू माइनस ए, हाफ ऑफ देम आर ए एंड रिमेनिंग हाफ आर माइनस ए. ठीक है, अच्छा, इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज 2 देन मॉड ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन तक तो बाद में पहुंचते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए मुझे क्या बताएं कि मुझे एक्स बार निकालना होता है पहले तो. ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब हमारा जो सिग्मा होता है उसका फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ठीक है, यहां पर अगर मैं एक्स बार निकालूंगा तो मैं इसको आगे कैलकुलेट कर पाऊंगा, और मैं अगर एक्स बार निकाल रहा हूं
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जितने आपके पास प्लस ए हैं उतने ही आपके पास माइनस ए हैं, तो सारे ऑब्जर्वेशंस को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डिवाइड कर लो 2n से, तो 0.2n आपके पास जीरो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मुला जो है और छोटा हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि आपका एक्स बार का वैल्यू जीरो हो रहा है। एक्स बार का वैल्यू क्योंकि यहाँ पर जीरो है तो आप यहाँ पे बस कैलकुलेशन कर लो। और अच्छी बात यह है कि अगर आपने ये आगे वाली टर्म यूज करी एक्स आई का स्क्वायर, तो हर एक वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, ए ही है, उसका स्क्वायर करके सभी का आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो 2n के 2n ऑब्जर्वेशन क्या क्रिएट करेंगे एक्स आई स्क्वायर करने के बाद में, यहाँ पर ए स्क्वायर ही क्रिएट करेंगे। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगा जिसका आंसर कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर यहाँ पर आपके पास 2 है, तो 2 का जो आंसर बन रहा है आपके पास वो कितना है, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा सिग्मा के साथ में, सबको ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कितने बार ऐड हो रहा है, 2n टाइम्स। किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 2n से डिवाइड करेंगे। माइनस क्या करना है, जीरो का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन होगी, 2n कैंसिल होगा और ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, ए स्क्वायर का अंडर रूट मॉड ए होता है। ये पूछ रहा है कि मॉड ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया बात है, मॉड ए का वैल्यू फिर 2 ही होना चाहिए, क्लियर है। तो यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं था, गॉट इट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक आते आते वेरिएंस के ऊपर, स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। लेकिन अब जो लास्ट पैटर्न बच्चों आपके पास बचेगा, दैट इज कि अगर आपके पास में कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी हैं, आपके पास ऑलरेडी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन आपने उन ऑब्जर्वेशंस में कुछ चेंजेस कर दिए और हर एक ऑब्जर्वेशन में सेम चेंज किया, हर ऑब्जर्वेशन को 10 से बढ़ा दिया, हर ऑब्जर्वेशन को 10 से कम कर दिया, हर एक ऑब्जर्वेशन में 10 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो चेंजेस अगर हम करते हैं तो उनकी वजह से आपके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस, उनमें क्या फर्क पड़ता है ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली कुछ कुछ क्वेश्चंस आंसर करते आ जाएंगे और इन पर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इसका डिस्कशन भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन वाले तो क्या करना होता है। तो यहाँ पर सोचो कि अगर मैं कोई एक कॉन्स्टेंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले मीन के डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो मीन का फॉर्मूला होता है, वो क्या है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन को अगर आपने यहां पे लेट अस से ए से इंक्रीज कर दिया, ऐड कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू को नेगेटिव ले लेंगे तो सब्ट्रैक्शन का डिस्कशन हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों डिस्कस कर रहे हैं। वैसे आगे चल के मल्टीप्लीकेशन डिविजन दोनों डिस्कस हो रहे होंगे साथ साथ, ठीक है, लेकिन टाइटल क्या है, एडिंग ए कॉन्स्टेंट एंड मल्टीप्लाइंग ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर यह फॉर्मूला होता है, लेकिन आपने एक्स आई नहीं रखा, एक्स आई जो आ रहा था उसका नाम तो एक्स बार ऑलरेडी आपने रख दिया था, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का आंसर ऑलरेडी एक्स बार निकल के था आपके पास में, ठीक है। लेकिन फिर आपने इसके अंदर कुछ ऐड कर दी वैल्यू, हर एक ऑब्जर्वेशन में आपने लेट अस से ए ऐड कर दिया, तो यहां पर न्यू मीन जो कैलकुलेट होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा करना है आपको एक्स आई प्लस ए, हर एक ऑब्जर्वेशन ए से बड़ी हो गई है और उसको आपको एन से डिवाइड करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन आपकी एन से बड़ी हो गई, ठीक है, तो ए से बड़ी हो गई। तो अगर आप यहां पे सिग्मा करते हो तो सिग्मा एक्स आई, यहां पे फिर से सिग्मा ब्रेक कर सकता हूं मैं, सिग्मा एक्स आई और यहां पर सिग्मा ए, लेकिन ए क्योंकि एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और बाहर आके वो कितना बनेगा, सिग्मा वन, और इसके नीचे भी एन आएगा और इसके नीचे भी एन आएगा। लेकिन अभी अभी हमने देखा था कि सिग्मा वन का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा वन का वैल्यू तो एन ही होता है, तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है इसका नाम तो पहले ही आपने एक्स बार रखा हुआ था, तो ये कितना हो गया, एक्स बार प्लस ए हो गया। ये क्या हो गया आपका, न्यू मीन। न्यू मीन कैसा चेंज हो रहा है, जितना आपने हर ऑब्जर्वेशन में ऐड किया, जितनी क्वांटिटी आपने हर ऑब्जर्वेशन में ऐड की आपका मीन भी उतने ही क्वांटिटी से इंक्रीज हो गया, ठीक है, आपका मीन भी उतने ही क्वांटिटी से इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर मैं यही डिस्कशन स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए करता हूं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या आप सोच सकते हो क्या होने वाला है, आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है दैट इज अंडर रूट के अंदर एक्स, सिग्मा के अंदर एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपके पास में एन, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया बच्चों, मैंने डेफिनेशन वाला फॉर्मूला यूज किया टू एक्सप्लेन टू यू कि यहां पर चेंजेस किस तरीके से होंगे। अदरवाइज यूजुअली हम कौन सा फॉर्मूला लिख रहे थे अभी तक कैलकुलेशन में, कंप्यूटेशनल फॉर्मूला, क्योंकि वहां पर कंप्यूटेशन करनी थी हमें, वहां पर कैलकुलेशन करनी थी हमें, ठीक है। तो वहां पर फॉर्मूला जो मैं यूज करा था सिग्मा का वो कौन सा था, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वो अलग फॉर्मूला था, ठीक है। दिखने में दोनों अलग अलग है लेकिन मतलब दोनों का सेम है, ये हमारा डेफिनेशन वाला फॉर्मूला है। तो यहां पे सोच के देखो, अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दिया ए से, तो हर एक ऑब्जर्वेशन को मुझे एक्स आई प्लस ए लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने ये किया, मेरा एक्स बार का भी तो वैल्यू चेंज हो गया, मेरा एक्स बार भी अब क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट करने पर ए और ए कैंसिल हो जाएगा,
मतलब पहले जो आ रहा था फिर से वही होगा, ठीक है। यहां पर न्यू, अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने जाते हो, न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन में आपको क्या दिखाई देगा, अंडर रूट के अंदर सिग्मा के अंदर दिखाई देगा, एक्स आई प्लस ए हो गया, हर एक ऑब्जर्वेशन ए से इंक्रीज हो गया इसलिए, लेकिन क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन ए से इंक्रीज हो गया है इसलिए एक्स बार भी क्या हो गया, ए से इंक्रीज हो गया। अगर आप ऐसा कैलकुलेट करके स्क्वायर करते हो तो मतलब आप तो ए और ए पहले कैंसिल कर दोगे, तो ए और ए अगर आप कैंसिल कर दोगे यहां से तो इसका मतलब आपके पास फिर से वही आ जाएगा, सिग्मा का ही आंसर आ जाएगा। तो आपने न्यू निकालने का कोशिश किया लेकिन न्यू आया ही नहीं, ये वही रहा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कॉन्स्टेंट आप एड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो वेरियंस का क्यों चेंज होगा, वेरियंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन वही है तो इसका मतलब वेरियंस भी वही है। मतलब कॉन्स्टेंट ऐड करने से आपका स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियंस इंटैक्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एक बार मल्टीप्लीकेशन वाला भी कंसेप्ट समझते हैं। अगर आप यहां पर चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, सारे ऑब्जर्वेशंस को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या चेंज होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहां पर बच्चे सोच पा रहे होंगे कि हाँ ठीक है, इस बार आपका मीन भी जो है ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है सोचना, यहां पर आप ऑलरेडी मीन का फॉर्मूला क्या लिखते हो, आप मीन का जो फॉर्मूला लिखते हो दैट इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सॉरी ये तो बाद में आता है, पहले लिखते हैं एक्स आई, ठीक है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ऐसा हम मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैं यहां पे अगर न्यू मीन निकालने जा रहा हूं जहां पर मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो न्यू मीन निकालने के लिए आप किसका सिग्मा करोगे, न्यू मीन निकालने के लिए आप यहां पर करोगे सिग्मा ए टाइम्स ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो यहां से ए कॉन्स्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, तो ए बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन हो जाएगा। लेकिन इसका नाम तो आपने ऑलरेडी क्या रखा हुआ है, इसका नाम तो आपने यहां पर एक्स बार रखा हुआ है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया ए इंटू एक्स बार, मतलब जो था आंसर हमारा उसको आप ए से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्टली रिजल्ट अगर याद रखोगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, और ऐसे देखो आपके पास जो सेकंड हो सकता है डिस्कशन दैट इज फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का भी फॉर्मूला जो है लेट से जो सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है वो है अंडर रूट के अंदर सिग्मा के साथ में एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। फिर से यहां पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं मेरे डेफिनेशन वाला फॉर्मुला यूज कर रहा हूं, कंप्यूटेशनल फॉर्मुला यूज नहीं कर रहा, उससे भी कर सकते हैं लेकिन इससे जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इस फॉर्मुले का यूज करके न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने की कोशिश करूंगा तो देखो क्या होगा, आपके पास आएगा अंडर रूट के अंदर सिग्मा के साथ में हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी कॉन्स्टेंट से, आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो सिग्मा के अंदर क्या दिखाई देगा, ए इंटू एक्स आई। लेकिन अगर आपने ये किया है तो x बार में क्या चेंजेस होते हैं, x बार क्या हो जाता है, x बार आपका नया वाला क्या हो जाएगा, a into x बार, नया वाला x बार यूज करना पड़ेगा ना यहां पे आपको फॉर्मूले में क्योंकि आपने डेटा चेंज कर दिया, तो नया वाला x बार कैसे दिखाएगा, पुराना वाला x बार into a, तो यहां पर हो जाएगा a into x बार, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका नीचे डिवाइड बाय n। अगर यहां से आप देखोगे तो a स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा तो सिग्मा के भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है, लेकिन ए स्क्वायर अगर अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ए स्क्वायर अगर अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो ए बनेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो कितना हो जाएगा यहां पे, अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा, अच्छा मॉड ए आएगा, ऑब्वियसली मॉड ए आएगा, ठीक है, बाहर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, सिग्मा के अंदर आपका आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आ रही बात समझ में, और लेकिन इसका नाम तो ऑलरेडी ऊपर क्या रखा हुआ है हमने, इसका नाम ऑलरेडी हमने सिग्मा रखा हुआ है, मतलब आपका सिग्मा कितना, आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है नया वाला उसमें क्या चेंज हो रहा है, न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो बेसिकली ए टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। तो लास्ट टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन को फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब कॉन्स्टेंट ऐड करने से स्टैंडर्ड डिविएशन को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करने से स्टैंडर्ड डिविएशन भी उतने टाइम्स बड़ा हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर सोच के देखो कि वेरियंस के साथ क्या होगा, वेरियंस के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, तो ए स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा स्टैंड वेरियंस आपका, ठीक है। तो न्यू वेरियंस का फॉर्मूला जो होगा बच्चों आपका वो इस तरह से बनेगा क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करना रहेगा आपको बस, ठीक है। यहां पर ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है, ठीक है। तो न्यू जो आपका वेरियंस होगा आप अगर स्क्वायर करते हो तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ओल्ड वाला वेरियंस, ए स्क्वायर इंटू ओल्ड वाला वेरियंस, ठीक है। ये आपका न्यू वेरियंस का फॉर्मूला होगा। तो यहां पर अगर आपने ये फॉर्मूले पता कर लिए हैं, रिलेशंस पता कर लिए हैं, तो आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली आंसर मार्क करते आ जाए, ठीक है, जो इनसे रिलेटेड होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं जहां पर आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये पता करना इंपॉर्टेंट है।
तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये 2013 में क्या क्वेश्चन आया था, इन्होंने पूछा था ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का पेपर टफ था या स्टूडेंट्स ने मेहनत नहीं करी थी, जो भी रीजन था, लेकिन वहाँ पे बच्चों के बहुत कम नंबर आए. तो टीचर ने क्या सोचा, द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 टू ईच ऑफ द स्टूडेंट. सभी बच्चों को 10-10 नंबर दे दिए ताकि वहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में सबके अच्छे नंबर दिखें. ठीक है, ऑलराइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर्स विल नॉट चेंज इवन आफ्टर द ग्रेस मार्क्स आर गिवन. यहाँ पर हालांकि बच्चों हमने मीन का ही डिस्कशन किया है, मीडियन और मोड का किया नहीं है. इसी क्वेश्चन के थ्रू मेरे ख्याल से हम डिस्कशन कर लेते हैं उसका. लेकिन मुझे क्या बताएं क्या चेंज नहीं होता, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ में. अगर आपको एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, हर एक बच्चे को आपने 10 एक्स्ट्रा नंबर दे दिए, मतलब आपने उन इनिशियल ऑब्जर्वेशंस में 10 ऐड कर दिया. अगर आप कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करते हो तो क्या नहीं चेंज होता, आपका डिस्पर्शन के वैल्यूज चेंज नहीं होते, मतलब आपका स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस चेंज नहीं होता है. तो इसका आंसर तो क्या आएगा, डी वेरियंस इसका आंसर आएगा. ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन जस्ट पढ़ना है और टिक करना है, एज गुड एज इनऑर्गेनिक. ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी ऐसे करना होता है, इसलिए इनऑर्गेनिक में पहले मेहनत करना बहुत जरूरी है बच्चों. ठीक है, इनऑर्गेनिक वो टॉपिक है जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करता है. वहां पे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, टिक करते हो, आगे बढ़ते हो, उसके अंदर सोचने का कुछ ज्यादा होता नहीं. ठीक है, सो डू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इनऑर्गेनिक ऑल्सो, है ना, नॉट जस्ट ऑन प्रैक्टिसिंग. ठीक है, मैथमेटिक्स तो करना ही है, फिजिक्स भी करना ही है, लेकिन इनऑर्गेनिक में थोड़ा ज्यादा जो बच्चे फोकस करते हैं उनको ज्यादा नंबर आते हैं, ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, तो आपने भी थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी चाहिए इनऑर्गेनिक की. अच्छा अच्छा, मीडियन और मोड का डिस्कशन हमने किया नहीं था, लेकिन बहुत ही आसान है समझना. अगर बच्चों ये सोचो मीडियन मतलब होता क्या है, बीच वाली वैल्यू. अगर मैंने सबको इंक्रीज कर दिया तो बीच वाली वैल्यू भी इंक्रीज हो गई ना. अगर मैंने हर ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दिया तो बीच में जो ऑब्जर्वेशन था वो भी 10 से इंक्रीज हो गया, तो मेरा मीडियन भी 10 से इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ये सेम रहने वाला नहीं है. ठीक है, ऑलराइट. उसके बाद में मोड क्या होता है, मोड होता है कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रहा है. तो लेट से यहाँ पे पूरी क्लास में बहुत बेकार परफॉर्म किया था और 100 में से यहाँ पे 35 नंबर लाने वाले बहुत सारे बच्चे थे. 100 में से 35 नंबर लाने वाले बहुत सारे बच्चे थे. टीचर ने अगर सबको 10 नंबर दे दिए तो अभी भी जो 35 वाला ग्रुप होगा वही ग्रुप सबसे बड़ा रहेगा, लेकिन अब वो क्या दिखाई देगा आपको, 45 दिखाई देगा, क्योंकि टीचर ने 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए सबको. ठीक है, तो यहाँ पर मोड भी चेंज हो जाएगा, मीडियन भी चेंज हो जाएगा, मीन तो चेंज होता ही, वो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन वेरियंस का यहाँ पे आपको पता चल गया है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी. इसलिए यहाँ पर आप 2013 वाले बच्चे ऐसा करना चाहिए था उन्होंने, है ना, हो सकता है उन्होंने भी इतनी मेहनत की है जितनी हम कर रहे हैं, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा और टिक करके आगे बढ़ गए होंगे. ठीक है, सो दैट इज द इजीएस्ट 4 मार्क्स दैट यू कैन ऑब्टेन इन मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, ऑलराइट. और देखते हैं यहां पर क्या है. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में बड़ा है, असर्शन रीजन का पैटर्न है, 2012 में आया था, लेकिन क्वेश्चन उतना ही आसान है जितना इसके पहले वाला था. क्या बोल रहा है यहाँ पे, x1 x2 x3 अप टू xn बी एन ऑब्जर्वेशंस, एन ऑब्जर्वेशन है आपके पास में. ठीक है, एंड लेट x बार ऐसा लिखा है वहां पे, एंड लेट x बार बी द अरिथमेटिक मीन एंड सिग्मा स्क्वायर द वेरियंस. ठीक है, यहां पर सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरियंस वाला सिंबल सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ऑलराइट. तो यहां पर एक बार लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटाते हैं यहां से. तो यहां पर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर आप यहां पे सभी ऑब्जर्वेशंस में 2-2 मल्टीप्लाई करते हो, वेरियंस ऑफ 2-2 मल्टीप्लाई किया हुआ ऑब्जर्वेशन इज 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर. क्या ये सही बोल रहा है, क्या हमें देखते से समझ में आ रहा है कि ये सही बोल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वेरियंस किस तरीके से मैनेज होता है, वेरियंस में न्यू वेरियंस कैसे निकलता है. न्यू वेरियंस निकालने के लिए आपको जो मल्टीप्लाई किया है आपने ऑब्जर्वेशंस में उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ओरिजिनल वेरियंस में आपको उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो क्या यहां पर इसने स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया है क्या? यस, इसने ऑब्जर्वेशंस में तो 2 मल्टीप्लाई किया है, लेकिन सिग्मा स्क्वायर में इसने 4 मल्टीप्लाई किया है. मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है. और यहां पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फिर से यहां पर मुझे अच्छे से लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पे प्रिंटिंग सही नहीं हुआ है. 4 टाइम्स ऑफ एक्स बार इसने यहां पे लिखा हुआ था, 4 टाइम्स ऑफ एक्स बार. ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस क्वांटिटी, क्या ये 4 टाइम्स ऑफ एक्स बार होगा? नहीं, ये कितना होना चाहिए था, 2 टाइम्स होना चाहिए था, क्योंकि आपका मीन का वेरियंस कैसा है, सॉरी मीन का जो चेंजेस है वो कैसा है, मीन के चेंजेस में केवल उतना ही नंबर मल्टीप्लाई होता है जितना हमने कांस्टेंट सारे ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किया है. तो यहां पे देखते से हमें क्या समझ में आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है और पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है. तो यहां पे आप डी मार्क करो और आगे बढ़ो. क्लियर है, ये भी क्वेश्चन उतना ही आसान था, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल यहां पर चेंजेस वाला आपको वैल्यू पता होना चाहिए. ठीक है, एंड सिमिलरली और एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, 2006 में ये क्वेश्चन आया था. अब दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिसगाइजिंग है, ऐसा लगेगा आपको कि ये जो क्वेश्चन है अभी जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है चेंजेस वाली वो एप्लीकेबल नहीं है, इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है बच्चों. ठीक है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, बढ़िया तरीके से फ्रेम किया गया था ये क्वेश्चन. इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो दोनों क्वेश्चन में समझ में आ रहा था कि हमें ये कॉन्स्टेंट वाला डेटा यूज करना है. ठीक है, लेकिन यहां देखो क्या बोल रहा है, सपोज अ पॉपुलेशन ए,
सपोज अ पॉपुलेशन ए हैज 100 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, कोई से तो एक सिटी है जिसके अंदर, सिटी है या जो भी है, टाउन है या फिर कोई भी एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर 100 आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है. सपोज अ पॉपुलेशन ए हैज 100 ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशंस क्या है यहाँ पे, 101, 102, 103, 200 तक, ठीक है. क्या है ये, लेट से मान लेते हैं इनकम है इनकी, ठीक है. एक बंदा 101 रुपए कमा रहा है, दूसरा वाला 102 रुपए कमा रहा है, तीसरा वाला 103 रुपए कमा रहा है, लास्ट वाला 200 रुपए कमा रहा है, ठीक है. ऑलराइट, तो ये हमारे 100 लोगों का इनकम है ऐसा मान लेते हैं समझने के लिए. एंड अदर पॉपुलेशन बी हैज 100 ऑब्जर्वेशंस, 151, 152 अप टू 250, ठीक है. ये दूसरा वाला ग्रुप है जो थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा रहा है, 151 से लेके 250 तक ये पैसा कमा रहा है, ठीक है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ वी ए एंड वी बी रिप्रेजेंट द वेरियंस ऑफ द टू पॉपुलेशंस रिस्पेक्टिवली, देन वी ए अपॉन वी बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, वी ए अपॉन वी बी का वैल्यू कितना होना चाहिए. तो यहां पर आपने क्या सोचना चाहिए, अगर अलग अलग कैलकुलेट करने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल आप गलत करोगे उस केस में, ठीक है. आपने ये देखना चाहिए कि ये सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है पहले वाले, उनमें अगर मैं 50 ऐड कर दूंगा तो अगला वाला आ जाएगा. तो ऐसा मान लेते कि मैंने मेहनत करके वीए निकाल लिया, अगर मैंने मेहनत करके वीए निकाल लिया है तो वीबी निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, वीए वाले कैलकुलेशन में हर एक ऑब्जर्वेशन को 50 से ऐड करने वाला हूं, ठीक है. हर एक ऑब्जर्वेशन में मैं 50 ऐड करने वाला हूं, तो अगर मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में 50 ऐड कर दिया तो वेरियंस का वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा. ऐड करने से वेरियंस का वैल्यू चेंज नहीं होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है. तो यहां पर आप केवल खड़े खड़े डिस्कस करके ये बता पा रहे हो विदाउट इवन राइटिंग अ सिंगल पॉइंट कि यहां पर आपके पास वीए के बराबर ही वीबी का वैल्यू आएगा, ठीक है. क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो कैसी है, देखो सिमेट्रिक वैल्यूज हैं. आपको हर एक वैल्यू कब मिल जाएगी, जब आप ऊपर वाले सब में 50 ऐड कर दोगे तो मिल जाएगी. मतलब अगला वाला निकालने के लिए आपने ऐसा सोचना चाहिए, पुराने वाली ऑब्जर्वेशन में अगर आपने 50 ऐड किया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा. वेरियंस का वैल्यू अभी भी वही रहेगा, क्योंकि वेरियंस का वैल्यू वही रहेगा, इसका मतलब दोनों के वैल्यू सेम आएंगे. अगर वेरियंस का मैं रेशियो ले लूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है. सो दिस इज इजी, यस, क्लियर हो रहा है. तो इसी के साथ बच्चों आई थिंक वी आर डन विद द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 3 नंबर 4 नंबर पक्के हो गए, ठीक है. ऑलराइट, लेकिन एक चैप्टर और बचता है जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे भी ज्यादा आसान है, विच इज मैथमेटिकल लॉजिक. तो मैथमेटिकल लॉजिक का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. और उसी के साथ आपका ये मेंस वाला जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड वी कैन रिज्यूम अवर ओल्ड टॉपिक्स विच वर गोइंग ऑन, ठीक है. तो स्ट्रेट लाइंस बच्चों हमारा आधे में रुका हुआ था और इंटीग्रेशन भी हमारा आधे में रुका हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है. ये अभी इस पॉइंट पे करना जरूरी था ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ अभी 15 अगस्त के आसपास वाला टाइम चल रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ गया है, आपको यहाँ पर ये तो 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मेंस के, ये क्लियर हो गए हैं, ठीक है. सो यू कैन एक्चुअली कीप दिस असाइड एंड अगेन स्टार्ट वर्किंग ऑन द रेगुलर टॉपिक्स दैट आर गोइंग ऑन, ठीक है. तो हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और मैं लूंगा मेन्स से रिलेटेड, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्ट्रेट लाइंस का डिस्कशन फिर से, ताकि आपको उन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करते आ जाए, ठीक है. ऑलराइट, सो बच्चों कंप्लीट हो गया स्टैटिस्टिक्स, जल्दी से लाइक कर दो, है ना, लाइक करो और यहाँ पे शेयर भी करो बच्चों वीडियो को, बिकॉज वी वॉन्ट कि आप हमें हेल्प करो टू रीच आउट टू पीपल, है ना. यहाँ पर जितने लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है अनअकैडमी जेई चैनल पे, उतना ही ज्यादा हम रिवॉल्यूशन जल्दी क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है. दिस इज अवर मिशन बच्चों कि हम यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आप सभी बच्चों को, ठीक है. तो यहाँ पर आप सभी में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होगा शायद, ठीक है, हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का फीस, ठीक है, बट दे आर डिजर्विंग कैंडिडेट्स. बट लेकिन अगर उनको यहाँ पर अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, कोई क्वालिटी टीचर्स अगर नहीं मिलेंगे कंटेंट देने वाले, तो उनका भी यहाँ पर रैंक पीछे हो जाता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से उतनी बात नहीं बन पाती जितना अगर टीचर हेल्प करते तो बात बनती है, ठीक है. तो डेफिनेटली आपने शेयर करना चाहिए इसको, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ पर आपके रेगुलर लेक्चर्स हो रहे हैं बच्चों फ्रॉम 7 to 10, 9 to 10 मैथ्स के लिए स्लॉट फिक्स है. तो आप फिर से कल आ सकते हो और मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ सकते हो, ठीक है. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते हैं मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है. टेक केयर, बाय बाय.